कुछ तो है नागिन एक नए रंग में। आपको बता दूं कि ये नागिन का सीक्वल है जो को जल्द ही आप इसको कलर्स टीवी पर वीकेंड में देखेंगे, जिसमें प्रिया शर्मा की भूमिका कृष्णा मुखर्जी निभा रही है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस किस एक्टर ने इस रोल को करने से मना कर दिया कृष्णा मुखर्जी से पहले। सबसे पहले बात करें नंबर 5 पर राधिका मदन, ये काफ़ी पॉपुलर एक्टर है, इनको आप बॉलीवुड मूवीज में देखे होंगे। बॉलीवुड मूवीज की वजह से इन्होंने इस प्रोजेक्ट में करने से मना कर दिया। आपको बता दें कि काफ़ी पॉपुलर एक्टर हैं वो भी। नंबर 4 पे कनिका मान, इनको आपने गुड्डन तुमसे न हो पाएगा मैं देखा होगा, काफ़ी पॉपुलर अच्छा काम किया था उन्होंने। और आपको बता दूं कि इनको भी ऑफर किया गया था लेकिन किसी कारणवश इन्होंने भी जुड़ने से मना कर दिया। काफ़ी टैलेंटेड अभिनेत्री हैं ये भी। नंबर 3 पे सोनाली का भदौरिया, जो कि शो में ऑलमोस्ट कन्फर्म हो चुकी थी। आपको बता दें कि वो भी काफ़ी पॉपुलर एक्ट्रेस है, काफ़ी सारे शोज में ये भी काम कर चुकी हैं, इससे पहले भी काफ़ी सारे शोज में इनको आपने देखा हो ज़रूर, काफ़ी अच्छी दिखती भी हैं रियल लाइफ में। नंबर 2 पे एरिका फर्नांडिस, आपको बता दूँ एरिका फर्नांडिस भी छोटी जिंदगी के और कुछ रंग प्यार के काफ़ी मशहूर हुई थी। ये वन ऑफ द फाइनल 2 नेम्स था प्रिया शर्मा के रोल के लिए लेकिन किसी कारणवश इन्होंने शो में मना कर दिया पार्टिसिपेट करने के लिए। नंबर 1 पे पूजा शर्मा, आपको बता दूँ पूजा शर्मा से भी कॉन्टैक्ट किया गया था और पूरी बात हो भी चुकी थी लेकिन लास्ट मौके पर कृष्णा मुखर्जी का फेस लोगों को ज़्यादा पसंद आया पूजा शर्मा के कंपेयर में। आपको बता दूँ उनको अपने महाभारत सीरियल में द्रौपदी की भूमिका निभाते हुए देखा होगा।